कलाई साज मनीषा का पहला करवा चौथ है और सज सच के तैयार तो हो चुकी है। अब इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो वो एक मिनट अभी आता हूँ मनीषा के पास। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपको पहला करवा चौथ है? हालत से पता नहीं चल रहा कि कैसे। हालत से तो लग रहा है कि पता नहीं कितनी चपातियाँ खाई हैं पिछले घर रात को बट हाँ थोड़ा टफ हो गया इसके लिए पहला करवा चौथ था। और प्यास लगी है, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा इन्हें। और क्या कहते हैं आपको किसका इंतजार सबसे ज़्यादा? अभी शाम का, शाम तो बड़ा तरस आएगा अभी आने में। और कैसा रहा आपका दिन आज? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा दिन रहा, काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है। अब बस चांद का इंतजार, जैसे ही चांद आता है वैसे ही मनीषा के चेहरे पर देखना बहुत खुशी आएगी। हेलो एवरीवन और जिस चीज़ का इंतज़ार सभी औरतों को है आज वो है चांद, और चांद आ चुका है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको चांद दिख रहा होगा बहुत छोटी शेड्स में। चांद आ चुका है और हमारी प्रिपरेशन भी फाइनली हो चुकी हैं। ये शिल्पा दिया बना रही है और थाली तैयार हो गई है, दिया इसने जला दिया भाभी के लिए अपनी, और जैसे आप देख सकते हैं। और अब ये मनीषा को दी जा रही है। मनीषा चांद को देख रही है, देखिए मनीषा एकदम बिल्कुल सीधा, वो मनीषा को चांद दिख चुका है। सामने पकड़े एक मिनट, सामने सामने ऊपर दे दे डाली इस पे। पहले अर्घ चढ़ाना होगा भैया, पकड़ मम्मी कहाँ जा गई? इतना सारा चढ़ा लीजिए पीछे सही होनी चाहिए। तो मैं चिंदा मामा को फोकस में रख रही हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? मुझे नहीं पता। तो फाइनली करवा चौथ की पूजा हो चुकी है, सफल हुई। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जो बताएं क्या आपने करवा चौथ मनाया और आपको कैसा लगा उनका पहला लाइक, वो भी बताएं। और जिनका काफ़ी समय चलता आ रहा है वो भी बताएं कि आज आपको आपका करवा चौथ कैसा लगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। करवा चौथ व्रत सफल हुआ, मम्मी ने भी पूजा कर ली है, मनीषा ने भी पूजा कर ली है और ये प्रसाद भी मिल रहा है। और मैं आपको चांद दिखा देता हूँ। खुशी मनाते हैं आप पिछली बार।